हे दोस्तों, हिंदी रिव्यू चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आने वाली पांच बड़ी साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में, जिसे डायरेक्ट हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। हर साल साउथ की तरफ से कुछ ऐसी बड़ी फिल्में आती हैं जिन्हें हिंदी के साथ कई और भाषाओं में भी रिलीज किया जाता है, तो आज हम उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं साउथ की पांच बड़ी फिल्मों के बारे में जिन्हें हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटे को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, मेजर। फरवरी 2019 में महेश बाबू ने अनाउंस किया था कि वो आदेवी सीरीज की अपकमिंग फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम मेजर है। ये फिल्म इंडियन आर्मी ऑफिसर संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी पर आधारित होगी, जो 2008 में हुए मुंबई हमले में शहीद हो गए थे। इस फिल्म में अदिवी शेष संदीप सर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसे शशि किरण टिक्का डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की शूटिंग इन दोनों बड़ी ही जोरों से चल रही है, जिसे इसी साल तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। नंबर 4, थलाइवी। थलाइवी एक बायोपिक फिल्म है जिसे एल विजय डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की कहानी हमारे देश के जाने माने एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जयललिता की जिंदगी पर आधारित होगी। इस फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में है, जो जयललिता का रोल प्ले कर रही हैं। उसके अलावा भी कई बड़े बड़े कलाकार अहम रोल में नजर आएंगे, जैसे अरविंद स्वामी, प्रिया मानी, प्रकाश राज और विजय देवराकोंडा। इस फिल्म की भी शूटिंग लगभग चालू है, जिसका एक फर्स्ट लुक पोस्टर भी आया था। इस फोटो में कंगना रनौत को जयललिता की तरह दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं से भी वो जयललिता की तरह नहीं दिख रही हैं, बल्कि उनकी शक्ल को काफी ज्यादा मोटा कर दिया गया है, जिसको देखकर लग रहा है कि फोटो को बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया है। वैसे किसी को भी ये फोटो पसंद नहीं आया है। तो अब देखते हैं कि फिल्म में हमें कंगना का लुक कैसा देखने को मिलेगा। ये फिल्म तमिल, तेलुगु के साथ हिंदी में भी जून में रिलीज होगी। नंबर 3, फाइटर। विजय देवराकोंडा की अपकमिंग फिल्म, जिसे पूरी जगन्नाथम डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का नाम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 99% इस फिल्म का नाम फाइटर बताया जा रहा है। फिल्म को चार्मी कौर के साथ करण जौहर भी प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें विजय के अपोजिट जानवी कपूर नजर आएंगी। सुनने में आया है कि ये फिल्म एक मास एक्शन मसाला फिल्म होगी, जिसे तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। तो ये इस साल विजय की दूसरी फिल्म होगी जिसे हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। एक है फाइटर, जिसमें वो लीड रोल में है, और एक है थलाइवी, जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में है। फाइटर फिल्म इसी साल रिलीज होगी। नंबर 2, मरक्कर द लाइन ऑफ अरबियंसी। मोहनलाल की ये अपकमिंग फिल्म मलयालम सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है, जिसका बजट 100 करोड़ से ज्यादा है। इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं। ये एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होगी, जिसकी कहानी जमोरियन शासक के नौसेना प्रमुख कंजुली मरक्कर फोर के इर्द गिर्द घूमेगी। फिल्म को काफी बड़े स्केल पर शूट किया जा रहा है, जिसका एक छोटा सा टीजर भी आ गया है। इस फिल्म में मोहनलाल के साथ कीर्ति सुरेश, सुनील शेट्टी, अर्जुन सारजा, प्रभु और मंजू वॉरियर जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग लगभग कम्प्लीट हो गयी है, जिसे इसी साल मार्च अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। नंबर 1, केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ चैप्टर 2 वो फिल्म जिसके लिए लोग करीब एक साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फिल्म आएगी और हमें रॉकी के और जर्नी के बारे में पता चलेगा। अब जैसे कि पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर था, इसीलिए फिल्म के मेकर्स दूसरे पार्ट पर और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ताकि इस फिल्म में कोई कमी ना नजर आए। नहीं तो आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिसका सेकंड पार्ट उतना सक्सेस नहीं होता जितना कि पहला पार्ट रहता है, पर इस फिल्म में फिल्म के मेकर्स के साथ एक्टर भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब फिल्म के लिए लोग कितना एक्साइटेड हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस फिल्म की राह ना देख रहा हो। फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट है, जिसका एक टीजर बहुत ही जल्द आने वाला है, और ये फिल्म जुलाई में आएगी, जिसे हिंदी के साथ कई और भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी साउथ की वो बड़ी फिल्में जिसे इसी साल हिंदी के साथ कई और भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। इन फिल्मों के अलावा भी कुछ और फिल्में हैं जो बहुत ही जल्द आने वाली हैं, जैसे निशब्दम और हाथी मेरे साथी। तो आप इन फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।